तो आज हम बात करेंगे गणेश महोत्सव जो है आरंभ हो रहा है इस वर्ष 10 सितंबर 2021 से। और गणेश महोत्सव जो आरंभ होता है वो होता है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पे, यानी उस दिन मनाई जाती है गणेश चतुर्थी। अब वहीं पे अनंत चतुर्दशी तक ये महोत्सव चलता है, यानी लगातार 10 दिनों तक। तो इन दिनों आपको भगवान श्री गणेश जी को कौन से पुष्प अर्पित करने हैं, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी की इन 10 दिनों में पूजा आराधना की जाती है। वहीं पर भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना कौन कौन से पुष्प से करें और कौन से पुष्प जो है वो वर्जित हैं, इस विषय पे चर्चा कर लेंगे। कौन से दिन पे कौन से रंग के पुष्प इनको अर्पित करें यह भी जानेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, भगवान श्री गणेश जी का जो प्रिय रंग माना जाता है वो लाल रंग माना जाता है। लाल, पीला या नारंगी, ये रंग जो है इनको बहुत अधिक प्रिय होते हैं। तो इसीलिए भगवान श्री गणेश जी को लाल रंग के पुष्प सबसे अधिक प्रिय होते हैं। वहीं पे अगर देखा जाए तो भगवान श्री गणेश जी की पूजा में नारंगी या फिर पीले रंग के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। यानी अगर हम भगवान गणेश जी की स्थापना करेंगे गणेश महोत्सव के दौरान, या फिर हम मंदिर में जाकर के भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, तो गेंदे के पुष्प की माला से भगवान श्री गणेश जी की साज सजावट करते हैं और उनको गेंदे के पुष्प की माला अर्पित भी करते हैं। अब गेंदे के पुष्प की माला अलग अलग होती है, यानी आपने देखा होगा गेंदा जो है लाल रंग में भी आता है और नारंगी रंग में भी आता है, पीले रंग में भी आता है। तो भगवान श्री गणेश जी को आप ये पुष्प तो अर्पित कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ भगवान श्री गणेश जी को गुलहेल के फूल जो है वो बहुत अधिक प्रिय होते हैं, क्योंकि वो भी लाल रंग के होते हैं। तो भगवान श्री गणेश जी की पूजा में गुलहेल के फूल जो है आप अर्पित करें। वहीं पे अगर देखा जाए तो भगवान श्री गणेश जी को आप सफेद रंग के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। मगर अगर हम बात करें दुर्वा की, तो दुर्वा भगवान श्री गणेश जी को अधिक से अधिक प्रिय है। मगर वहीं पे बात करें तुलसी की, तुलसी जो है वो भगवान श्री गणेश जी की पूजा में वर्जित मानी जाती है, यानी भगवान श्री गणेश जी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। तो इसीलिए तुलसी के अलावा आप किसी भी पुष्प को अर्पित कर सकते हैं भगवान श्री गणेश जी को, मगर लाल रंग के पुष्प जो हैं सबसे अधिक प्रिय माने जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें इन 10 दिनों में कौन से दिन पे कौन से रंग के पुष्प अर्पित करने हैं, तो देखिए आप जो है सोमवार के दिन, यानी इन गणेश महोत्सव के दिनों में जो सोमवार पड़ेगा उस पे आप सफेद रंग के पुष्प अर्पित करें, खुशबूदार सफेद पुष्प अर्पित करें। वहीं पे मंगलवार के दिन गुलहल के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। बुधवार की बात करें तो बुधवार को आप भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। बृहस्पतिवार की अगर बात की जाए तो बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री गणेश जी को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें या गेंदा अर्पित करें। वहीं पे बात करें शुक्रवार की, तो शुक्रवार के दिन भगवान गणेश जी को सफेद रंग के पुष्प अर्पित करें। शनिवार की बात करें तो शनिवार के दिन नीले रंग के पुष्प जो है वो अर्पित करें। और वहीं पे बात करें अगर रविवार की, तो रविवार के दिन लाल रंग के पुष्प या फिर नारंगी रंग का गेंदा आप भगवान श्री गणेश जी को अर्पित करें। ऐसा करने से आपको लाभ प्राप्त होगा और भगवान श्री गणेश जी आपके हर विघ्न जो है वो समाप्त करेंगे। तो और भी ऐसी खास जानकारी लेकर के आऊंगी मैं।